आप सुन रहे हैं 91.2 रेडियो FM। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। आपके साथ हम खास मुलाकात में आज हम चर्चा कर रहे हैं जल संरक्षण पर। जल संरक्षण को लेकर यूं तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा संगठन है जिसने काफी देश भर में काम किया है और गौतम बुद्ध नगर में भी, नोएडा, ग्रेट नोएडा में वो काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है, जलाधिकार संगठन। जलाधिकार संगठन के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ चर्चा में हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने विस्तार से हमारे साथ बातचीत की है। गोपाल जी से हम बात करेंगे और जिन पर काम धीरे धीरे सरकार के स्तर पर या निजी स्तर पर आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीने योग्य पानी जो है जी, हर व्यक्ति को हर घर में प्रोवाइड करें, यह हमारा संविधान जो है उसके अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ फंडामेंटल जो राइट है उसके अंतर्गत यह आता है। बहुत सारे कोर्ट केसेस हम अगर देखें पूरे समय पे, उनमें यह फैसला है कि हर व्यक्ति को पीने योग्य पानी निशुल्क प्रोवाइड करना यह सरकार की जिम्मेदारी है, पहली बात जी। और इसके ऊपर आम जनता इस संघर्ष को कर नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ना समय है, ना उसके पास इतनी सोच है, ना इतने रिसोर्सेज हैं कि वह इन सब बातों को लिख के, डॉक्यूमेंट करके, एक मास मूवमेंट खड़ा करके सरकार तक इफेक्टिवली उन बातों को पहुंचाए। तो कुछ समझदार लोग जो इंटेंट के रूप है, तो मनुष्य की समस्याओं को, जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं और हमारे सांस्कृतिक यानी जो हमारे जो देश का जो कल्चर है, सांस्कृतिक इतना बड़ा जो सोच है, तो उसके अंतर्गत जो प्रकृति के पंच तत्वों की जो बात है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, हवा, ऐसे मूलभूत तत्व के बारे में जो हमारे सोच है संस्कृति के अनुसार कि वह प्रकृति ने सबको प्रदान किया है, उसका सबको निर्बाध रूप से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। तो इन सब सोच को साथ लेके हम लोगों ने वृहद चर्चाएं की और उसके साथ जन जागरण के भी बहुत बड़े अभियान हम लोगों ने धीरे धीरे किए, RWS के साथ मिलके, जिसमें जल अदालत तो यह भी हमने लगाई कि लोगों की पानी की समस्या के साथ सरकार के साथ किस तरह से उनको उनका निजात किया जाए। तो जल अदालत के रूप में जल पानी के अधिकारियों को और RWS के और घरों के लोगों को बिठाया। नोएडा में भी हमने जल अदालतें की, फिर उसके साथ जल नुक्कड़ नाटक टाइप के भी किए, जो पानी के विभिन्न इश्यूज हैं उनको युवाओं को लेके, कॉलेज के विद्यार्थियों को लेके नुक्कड़ नाटक के रूप में हमने जागरण की चीजें की। उसमें संरक्षण भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पानी आने वाले समय में एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट का, एक मतभेद का विषय बनने वाला है, तो उसका संरक्षण संवर्धन बहुत जरूरी है। स्कूली बच्चों के साथ हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन की पानी के विषयों को लेके, वो क्या सोचते हैं, बच्चे क्या मानते हैं, तो और उसके साथ डिबेट कॉम्पिटिशन कॉलेजेस में किए, इवन जल उपवास भी किया। जब हमारी बात को सरकारों ने नहीं सुनना करा और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, तो हमने इंडिया गेट पे जल उपवास, जल पद यात्राएं, जल गीत, ऐसे मास मूवमेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम भी किए। धीरे धीरे इन सबको आगे बढ़ाते हुए हमारी ये फाउंडेशन जो है उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया। पहले तो एक थिंक टैंक प्लेटफॉर्म ही केवल था जलाधिकार, फिर उसका फाउंडेशन के रूप में सेक्शन 8 के रूप में हमने कंपनी रजिस्टर कर दी, चैरिटेबल संस्था के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जी। और आज के समय में लगभग देश के 9 स्टेट्स में हमारे सहयोगी हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न तरह के काम कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं वैचारिक रूप से और एक्टिविटीज के रूप में अपने अपने लोकल क्षेत्र में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज वो लेते हैं, जैसे तालाबों का जीर्णोद्धार है, पुनर्जीवन है, लोगों को पानी के संरक्षण के बारे में जानकारी देना है, लोगों को संविधान के अंतर्गत
उनका पानी के लिए क्या अधिकार है उसके बारे में, उस अधिकार के बारे में उनके उनको जानकारी देना है, आर्टिकल लिखना है, रिसर्च पेपर्स निकालना है, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, सरकार को पॉलिसी इंटरवेंशन करनी, ये सब काम हमारा जलाधिकार फाउंडेशन करता है। और अब तो हमने विदेशों से भी कुछ लोग वैश्विक स्तर पे भी कुछ देश में जैसे यूएसए में, सिंगापुर में और कनाडा में, यूके में, अफ्रीका में, कीनिया में, ऐसे हमारे साथ कुछ लोग जो एक्टिविस्ट पानी के लिए बड़े जागरूक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक चीज और है महत्वपूर्ण कि जो बरसात का पानी होता है वो बर्बाद होता है और कभी कभी उसमें तो जो असिंचित क्षेत्र है अभी खेती का उसको भी सिंचाई का जगह मिलेगी और पीने का जो पीने का पानी है वो भी बढ़ेगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में भी आपने कुछ काम किया है? देखिए, ये आपने महत्वपूर्ण बात यहाँ पे विनोद जी उठाई है कि केवल पीने का पानी घर घर में मिले यही केवल एक विषय नहीं है। पानी का संरक्षण जो है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, बारिश के पानी का सही ढंग से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो उसका भी पूरा प्रयास करना और उसकी व्यवस्था करना भी रिचार्ज मैकेनिज्म का भी एक है इसमें रहता। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बारिश के पानी का प्रॉपर, कहाँ पे है ये? कहाँ पे है ये? मथुरा में परहा करके जगह, दीनदयाल जी का ग्राम है जन्म स्थान पे। जी 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 जी। तो वहाँ पे 50 बीघा जमीन पे एक तालाब था जो धीरे धीरे सूखा पड़ा हुआ था मुगल कालीन समय से बाद से। पहले यमुना से जुड़ा था तो पानी उसमें आता था, लेकिन यमुना का रास्ता बदल गया और धीरे धीरे लोग एंक्रोच कर रहे थे। हमने वहाँ के लोकल डीएम और उनके साथ मिलके जेसीबी से लगा के उसकी प्रॉपरली चारों तरफ फेंसिंग करवा दी और उसमें जो मिट्टी ज्यादा जम गई थी तो थोड़ा जेसीबी लगवा के उसको खुदवा दिया। और आसपास प्रवक्ता भी हैं और जलाधिकार संगठन के साथ साथ जल संरक्षण में आप काम कर रहे हैं। इस समय जैसे एक तिलपता गांव है यहाँ पे दादरी के पास, वहाँ पे एक तालाब है, उसकी सफाई का काम बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुद्दा क्या है कि जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उसके ऊपर काम शुरू किया तो जिला प्रशासन ने यह कहकर रोक दिया कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। तो ना जिला प्रशासन ने उस काम को किया और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को रोक दिया। तो इस तरह जो पौंड शहरीकृत गांव के साथ आ गए हैं उनके संरक्षण को लेके अभी स्थिति साफ नहीं है। तो ये मुद्दा अगर आप प्रशासन के सामने और अथॉरिटी के सामने रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो जहां जहां अटके हुए हैं इस तरह के तालाब उन पर काम होगा, चाहे वो प्रशासन करे या ग्रेट नोएडा अथॉरिटी करे या नोएडा अथॉरिटी करे। ये एक बड़ा मुद्दा है जो इस गौतम बुद्ध नगर जिले का है, जो क्योंकि शहरीकृत गांव जो हो गए हैं जहां पे बड़ी बड़ी इमारतें आसपास में बन गई हैं या इंडस्ट्री बस गई हैं तो वहां पानी की निकासी बड़ा समस्या है और जो तालाब है भरे खड़े रहते हैं तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। लगभग 200 के करीब तालाब जो नक्शे में है वो नोएडा में है, ऐसे ही 150-200 तालाब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत नक्शे में आते हैं। लेकिन ज्यादातर तालाब जो है कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं या उसमें लोग गाँव के लोग कचरा डालने का एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है और उसमें सारा सीवेज का पानी जो है उसमें अगर चला जाता और नीचे प्लास्टिक वगैरह डल के कचरा डल जाता तो वो पानी जो है वो सीट डाउन ग्राउंड में नहीं करता। तो इसमें मेरा जो सोचना है और मेरे को, मैंने गांव के तालाबों को भी बहुत देखा है, लोगों से मिला है, उनके चौपाल के थ्रू उनके साथ बात की हुई है जी। तो कहीं ना कहीं अगर तालाब को रिवाइव करना है वो एक तालाब और जो नदियां है ना ये लिविंग टीम की तरह जीवित प्राणी की तरह होता है, उस तरह से उसका संरक्षण करना होता है। एक मृत चीज नहीं है। अगर आप कोर्ट के जजमेंट को भी देखेंगे यमुना और गंगा को तो हमारे हाई कोर्ट ने जीवित प्राणी की तरह उनकी घोषणा कर दी है कि नदियां जो है एक जीवित प्राणी है, प्राण होता है उसमें जीवित जीवन प्राण की तरह उनका संरक्षण होना चाहिए और उनके ह्यूमन राइट्स वगैरह के विभाग कोर्ट ने अपने फैसलों में की है। इन तालाबों को जीवंत रखने के लिए तो गांव वालों को सबसे पहला ये चीज करनी चाहिए कि कचरा उसमें डालना बंद करें। वो आपस सामूहिक रूप से जो कचरा डालते हैं वो सबसे बड़ी समस्या है, वो जब बंद करेंगे और फिर नोएडा अथॉरिटी वगैरह उनको हेल्प कर सकती है उसको रिवाइव करने के लिए। और जो जो
सबसे पहली आसान बात यह कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इलाका है जिसमें की पॉपुलेशन है उसके अंदर गांव से बाहर वाले तालाबों को पहले रिवाइव करें। जब एक तालाब सर्वाइव हो जाता है, रिवाइव हो जाता है, उसके सक्सेस से दूसरा होता है। नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा सीओ और वहां पे ग्रेटर नोएडा के सीओ नोएडा के सीओ दोनों से बात हुई, ये लोग इस बात के लिए तैयार है कि तालाबों के संरक्षण के लिए जो एनजीओ वगैरह सामने आए तो वो उस तरह के एग्रीमेंट के लिए लीज पे उसके लिए तैयार है। और अब इस वक्त तो योगी जी का भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, उन्होंने तो जैसे पीछे प्रधानमंत्री जी ने जब उत्तर प्रदेश में एक अपना भाषण दिया था उत्तर प्रदेश के लिए, तो उसमें ये कहा था कि जो ईस्टर्न यूपी है जो जहाँ पे ये जो और बुंदेलखंड है यहाँ पे लगभग 5,000 तालाबों का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार किया गया है। केंद्र सरकार की भी जल मंत्रालय का बहुत बड़ा इसमें मतलब सहयोग है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी सहयोग है, यहाँ के दोनों अथॉरिटी भी सहयोग करेंगे, लेकिन इनिशिएटिव जो है वो ग्रामीणों को कार सेवा के द्वारा अपने ही अपने क्षेत्र के रूप में लेना पड़ेगा। उन्हें किसी तरह की उसमें कोई सहयोग समर्थन या किसी तरह की टेक्नोलॉजिकल या नॉलेज की सपोर्ट चाहिए तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले उनको ग्रामीण लोगों को अपने उस तालाब के संरक्षण के लिए कमेटी बनानी चाहिए और उसमें सब कचरा डालने से लोगों को रोकना चाहिए। अगर कचरा डाले हटेगा फिर जब रुक जाएगा फिर उसके पानी को एक बार खाली करना पड़ता है और खाली करने के बाद फिर उसका कचरा निकालना पड़ेगा और फिर फ्रेश वाटर उसमें आएगा और उसमें फिर मछलियां और उसके साथ पीने योग्य पानी तो एकदम नहीं होगा लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तरह वो काम करेगा, उसमें मछली मेंढक ये और उसमें आसपास जो घास और पेड़ पौधा जो बांस वगैरह लग जाते हैं वो भी पक्षी वगैरह उस पानी की गंदगी को धीरे धीरे साफ कर देगा। तो पानी में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो नेचुरल साइकिल की चीजें हैं जी जी वह उसमें लोग बड़े बड़े इनिशिएटिव एकदम गंगा को साफ कर रहे हैं, यमुना को साफ कर रहे हैं, आप गंदा मत करिए ये महत्वपूर्ण है, साफ तो उनकी नेचुरल प्रोसेस ही कर देगी तो गंदा करना रोकना पड़ेगा। जो भी गांव वाले पहले इस बात के लिए तैयार होते हैं कि हम अपने क्षेत्र में आपस में क्योंकि दूसरे लोग आएंगे तो लड़ाई करके तो उस गाँव को कोई वो वहां के लोगों के साथ नहीं सर्वाइव कर सकते, इसलिए सबसे पहले उन्हें अपने तो कमेटी बना के ये तय करके किसी को आपस में जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि हम कचरा डालना बंद डंपिंग ग्राउंड की तरह गाँव का कचरा उसमें डालना बंद करेंगे, उसके लिए अलग आइडेंटिफाई जगह करें और उसके ऊपर धीरे धीरे एनक्रोचमेंट वाली चीजों को धीरे धीरे जो करते हैं उसको रोकेंगे तो मुझे लगता है कि यह सामूहिक प्रयास से यह काम अच्छी तरह हो सकता है और हम लोगों ने जो जिस तरह की लोगों को इसमें सहयोग समर्थन की बात है तो हमारा जलाधिकार फाउंडेशन जिस तरह के काम में सहयोग कर सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी आज की डेट में क्योंकि प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन जो है जिसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम पूरे लगभग सारे जो है 22 करोड़ घरों में पूरे देश में नल के द्वारा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं जी। तो वो ये सारी चीजें मिलकर ये ध्यान में आता है कि पानी एक महत्वपूर्ण विषय है, आपने भी महत्वपूर्ण विषय को उठाया है, जनता भी इसके लिए जागरूक है, लोग भी इसमें भागीदारी करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, कई बार उन्हें दिशा नहीं मिलती लेकिन धीरे धीरे चर्चा करने से लोगों को साथ में लेके इस बड़ी चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारा सौभाग्य ये है कि भारत में जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह से प्रकृति में भारत देश को प्रचुरता में उपलब्ध कराए हैं वैसे ही पानी में हमारा डेफिशिएंट कंट्री नहीं है, हमारे यहाँ पे पानी की भी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, रेन वाटर की, रिवर्स की, समुद्र की, ग्राउंड वाटर की, लेकिन अगर उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया, संरक्षण नहीं किया तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। तो जैसे ड्रेन
में स्टॉर्म ड्रेन्स जो होते हैं घरों के बाहर, उनको देखना चाहिए कि वह जो है वह बारिश से पहले RWA उनकी सारी सफाई करवा दे, उसमें ओवरफ्लो ना हो, वो सीवेज के पानी में जाता। अगर ये जो रेन वाटर है सीवेज लाइन में बहुत लोग जोड़ देते हैं पूरा, तो फिर तो उसकी खराब हो गया। ये जो रेन वाटर है ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर है, उसको कोशिश करिए कि स्टॉर्म ड्रेन जो होती है घरों के बाहर, सोसाइटी के बाहर, सेक्टर के बाहर, वह सीवेज लाइन से ना जोड़ के उसको कोई ऐसी जगह पे ज्वाइन कर लें। और ऐसा नक्शे में तो बना हुआ होता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो धीरे धीरे लोगों की मानसिकता और कोताही के कारण वो खत्म हो गई, तो वो वहाँ इकट्ठा हो और वहां से ग्राउंड वाटर में सीपेज हो जाए, सीवेज लाइन में ना मिले। सीवेज में अगर ये पानी मिल गया तो आप देखिए कितनी बड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। सीवेज के पानी को तो वो गंदा होता है, उसमें केमिकल होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं और वह काफी बीमारियों के जनक होते हैं, तो उनको काफी क्लीन करके प्यूरिफाई करने के बाद नदियों में डालना चाहिए और उसकी क्वांटिटी पे बहुत बड़ी कॉस्ट आता है। और अगर ये सारा रेन वाटर भी उसी लाइन में चला गया तो कितनी बड़ी क्वांटिटी का पानी हमें साफ करने की आवश्यकता है। ये चीजें हैं जिसमें जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण काम मुझे लगता है कर सकती है। और ये जो पेवमेंट्स है, अब मैं देख रहा हूँ नोएडा अथॉरिटी में जो पेवमेंट है, पहले इन पेवमेंट्स को सड़क के दोनों तरफ इनको लोग सीमेंटेड कर देते थे, इनको सड़क डामर लगा देते थे, तो उससे क्या होता था कि रिचार्ज नहीं होता ग्राउंड वाटर बारिश का पानी, इसको पूरा टाइल्स लगानी चाहिए हर जगह, तो वो क्या होगा पानी आएगा तो वो सीधा जमीन में चला जाएगा। और ये बहुत बड़े मुश्किल और बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीजें नहीं है, और इन चीजों से पानी का संरक्षण हो सकता है। हमें अपने घरों में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ये लीगली तो नक्शे में ये होता है कि सीवेज वाटर सैनिटेशन के जो वाटर लाइन है वो अलग होती है और रेन वाटर अलग होती है। ज्यादातर मैंने नोएडा और इनके घरों में देखा है कि दोनों ऊपर से एक जगह जाके सीवेज लाइन में ही डाल देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हम अनकॉन्शियसली अपना और आने वाली पीढ़ियों का कर रहे हैं। जी जी जी, आपने आज इतनी शानदार जानकारी दी है, इतनी सटीक जानकारी दी है कि आम नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा और प्रशासनिक मशीनरी इस मुद्दे पर काम करेगी। गोपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय दिया है ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, और जलाधिकार संगठन का जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी, हमें यह उम्मीद है। नमस्कार, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपने इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया और जनता के बीच में इसको ले जाएंगे तो सभी अपने इस नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का भी फायदा होगा और मनुष्य जीवन का, प्राणियों का, पक्षी का, पेड़ पौधों का, सबका फायदा। जी जी जी, तो आप सुन रहे थे 91.2 रेडियो लोकमंच FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।